सॉरी दोस्तों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बिना आपके बताए मैंने चैनल को रिमोनिटाइज करने के लिए भेज दिया और वहाँ से रिजेक्ट होके आ गया। दोस्तों मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं और चैनल को मोनेटाइज के लिए भेज दिया, वहाँ से रिजेक्ट होके आ गया। दोस्तों अब हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कंपनी तरफ से एक मेल आया है, अभी आपको मैं मेल दिखाता हूँ। दोस्तों ये वो मेल है जो मुझे कंपनी की तरफ से आया है, और दोस्तों मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है इसलिए मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। दोस्तों आप लोग इसे पढ़ के मेरी हेल्प कर दीजिए। दोस्तों मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या है, लिखा है क्या नहीं लिखा है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, उस पर देखते हैं कि क्या इस पर है। दोस्तों मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिसमें मेन कारण है। दोस्तों यही है वो जिसमें मेन कारण है, जो लाल कलर का आई बटन दिख रहा है ना, वही है दोस्तों मेन कारण। इसी के वजह से मेरा चैनल रिजेक्ट कर दिया गया। तो दोस्तों आप में से कोई भी समस्या का हल करना चाहेगा तो कर सकता है। दोस्तों हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों अगर आपको किसी को इसके बारे में जानकारी है तो आप लोग उसे ठीक कर सकते हो। दोस्तों इतनी देर से मैं यही सोच रहा था कि ये कौन करेगा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन करेगा। दोस्तों आप में से किसी को भी करना है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि मेरा पैर ख़राब है, इसलिए हम कहीं जा भी नहीं सकते। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। इस लाल बटन ने तो मुझे रुला ही दिया। दोस्तों एक महीने का टाइम दे दिया गया मुझे कि एक महीने के बाद में आपका चैनल रिप्लाई होगा। दोस्तों मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है रिप्लाई कैसे करते हैं। पहली बार किया था वो भी गलत हो गया, अब रिप्लाई आएगा एक महीने के बाद में।